Asatoma sadgamayah, tamsoma jyotirgamayah, mrityorma amritam gamayah. Om shanti, shanti, shanti. Hriday ki divya jyoti hum sabhi mein prajvalit ho, aisi mangal kamna ke saath, Pooja Daji evam Shri Ramchandra Mission Heartfulness Parivar ki taraf se, Kanha Shanti Vanam mein हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भावपूर्ण अभिनंदन और हृदयपूर्ण स्वागत करते हैं। हार्टफुलनेस में हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज हम सब के बीच कान्हा शांति वनम के सुंदर प्रांगण में विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र में उपस्थित हैं। मान्यवर, हार्टफुलनेस के वैश्विक मुख्यालय में आपके आगमन से हम सभी के बीच उमंग और उत्साह की एक लहर दौड़ रही है। हार्टफुलनेस ध्यान पद्धति ने आज लाखों हृदयों को छुआ है। आज कान्हा शांति वनम में यहाँ उपस्थित और लाइव रिले पर हमारे साथ जुड़े लाखों हृदयों की तरफ से आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए हमारा आदर, अभिनंदन और आभार स्वीकार करें। आपके गौरवशाली व्यक्तित्व द्वारा हमारा देश भारत आज सफलता के पथ पर अग्रसर है। यह आप ही के अथक प्रयासों का परिणाम है कि आज भारत योग और आध्यात्म से पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके इन्हीं निरंतर प्रयासों से हमारा देश जन जन को आध्यात्म की गहराइयों में डूबने के लिए प्रेरित करता रहेगा और उनका मार्ग प्रज्वलित करता रहेगा। श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस की परंपरा आपके इस लक्ष्य को साझा करती है। पूज्य दाजी के नेतृत्व में हार्टफुलनेस संस्थान वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए हृदय आधारित ध्यान द्वारा सही सोच और समझ के आध्यात्मिक संदेश को विश्व के जन जन तक ले जाने के लिए एक मुहिम चला रहा है। देश के सकारात्मक रूपांतरण के आपके उच्चतर लक्ष्य में हार्टफुलनेस आपके साथ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको शत शत प्रणाम। लाए हैं आप नई लहर, एक हो रहे रहीम और राम। आप सक्षम हैं बदलाव के और देश को दिया है ज्ञान। शुरू किया जरूरी काम जब चलाया आपने स्वच्छता अभियान। आपके अभियान से जाहिर है आप चाहते हैं सबकी भलाई। बाहर के साथ साथ क्यों ना हम करें अपने दिलों की भी सफाई। जब हृदय होगा साफ बदलेंगे सभी लोग, और यह करने का एक माध्यम देता है राजयोग। अपने मन की सफाई में लगती है थोड़ी इच्छा शक्ति। अपने मन की सफाई में लगती है थोड़ी इच्छा शक्ति और हृदय निवासी ईश्वर के प्रति बस थोड़ी सी भक्ति। क्यों ना हम सब एक होकर अपनाएं यह सरल समझ। जुड़े हम सभी ध्यान से, यह मार्ग है बिल्कुल सहज। बिना आंतरिक सफाई के शायद अभियान है अधूरा। बिना आंतरिक सफाई के शायद अभियान है अधूरा। क्यों ना हम जुड़ें ध्यान से और करें आपका अभियान पूरा, और करें आपका अभियान पूरा। पूरे हार्टफुलनेस परिवार की तरफ से हम कान्हा शांति वनम में आपका पुनः स्वागत करते हैं। अब मैं पूज्य दाजी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे एक छोटी सी भेंट द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें व सम्मान करें।
करतल ध्वनि द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करें। अब मैं पूज्य दाजी से निवेदन करती हूँ कि वे आकर मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। Very dear, most honorable and Sadday, Honorable Prime Minister Narendra Bhai Modi, आपको सत सत प्रणाम हमारे सभी के हृदय से। बहुत धन्य आप यहाँ आए हैं। और ये दिन बहुत शुभ भी है। Those of you who follow Vikram Samvat calendar, today is a full moon day. Kartiki Punam, they call it. It's one of the holiest day we celebrate. Upon his arrival also, long-awaited Santaben International Cricket Academy for girls will be starting from today. Thank you. Today I would like to speak with you something on aura, which we never discussed before. Aura that we all carry, the energy field that we all carry. It's a hard work. The field of attraction, field of repulsion, field of likes and dislikes, magnetic field that we all carry with us, sadness, smile, joy, corruptive minds, helpful minds, joyful minds, they are all the products of all that we do and cultivate in our minds, in our hearts. Through meditation, through right intentions, through right understanding, an honest approach, especially selfless approach, we create a great magnetic field with us. And that magnetic field is being gifted by the divine gods and goddesses to the great man who is amongst us. He's very jolly. Whenever you hear him in the parliament, his expressions are full of humor. Joy. You don't feel the negative things coming out from his mind. Sometime in 1979, I don't know how many of you were a member of this organization then, but then I was very young and I would listen to our elders, satsangis, and they would say, our Babuji Maharaj, our Adi Guru, made a remark to few of those elders that there is a boy who is being groomed, 1978. There is a boy who is being groomed to lead India into the future. When he will take over his position, when he will take over the position leading, he will not only be the beacon light reflecting India, but also will be the number one global leader. This was the prediction which has come true. And he has come to the home of the predictor. We don't talk about such things. It's unnecessary. We witness
the unfolding of the predictions our masters have made. And there are many such things. Our goal is something different. We don't talk about such things. We have to keep quiet. But I couldn't help myself and openly speak about it. Our goal is much greater than all this. To build very strong spiritual and materially successful nation. Our goal is to balance the spiritual and material wing of every individual. India, only then, can become the beacon light of spirituality to the rest of the world. We have begun smaller steps. Yoga, the very foundation of spirituality, has become a household name now, thanks to this great person who is amongst us. No one has ever brought such a revolutionary idea, not only in yoga, not only in spirituality, but also in creating the welfare of every nook and corner of the society, every community that is being uplifted. Science found its own growth, agro found its own growth, forestry, environment finding its own growth, what not. I mean, we can go on talking about the whole thing. What strikes me the most is what we have to do next, as our sister was reading out the poem, the inner cleaning, how to clean the inside. There is no detergent or a shampoo that clean the inside. Are you willing to change for a better human being? If that is the goal, then we have to let go of our selfishness, arrogance, and comfort zones. Because only when we change our comfort zone or habits, only then we can change. And change should always be for the betterment. One small example, United Nations Sustainable Development Goals, SDGs. Let's talk about pollution, air pollution, water pollution, land pollution, and many types, women empowerment, education, balanced diet, food, water, and whatnot. But when we analyze all these things, what is the main cause for water pollution? What is the main cause for air pollution? What is the main cause for all sorts of pollutions and debits in our society? It is the thought pollution. How to regulate this thought? How to purify our intentions and thoughts? That is our next challenge. We have to take this message to every village, to every house, to every heart, and have this auspicious lighting. Jaise kehte hain, deepak jalana hai sabke hriday mein, ke sabka hriday dhyan kare. Har ghar mein har dil dhyan kare. And yahi abhiyan ke saath, जो हमने काम शुरू किया था मध्य प्रदेश में, करोड़ों लोगों ने शुरू किया, अभी हो रहा है तमिलनाडु में, गांव-गांव में लोग अपने वॉलंटियर्स जाते हैं, काम पूरा नहीं हुआ है। ये अभियान हर दिल हर ध्यान हर दिन ध्यान करें, यही उमंग के साथ हम सब लोग काम करें और जॉइन अवर मोस्ट बिलवड इन गुजराती विषय मरा वाला वाला वड़ा प्रधान से हमने साथ किया से जरे कृष्ण भगवान भी था जब वो थे अकेले तो उन्होंने कुछ प्राप्त कर नहीं सके उनको भी चाहती थी लोग और कभी कभी वो चाहते थे फिर भी कुछ काम नहीं हो पाया युद्ध करना पड़ा आज का जमाना भी ऐसा ही है
डिप्लोमेसी से कुछ काम नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी समय आ सकता है कि जब हमें बल से, शक्ति से आगे बढ़ना पड़े। भारत के युवाओं, सभी चीज़ के लिए हम सब तैयार होना है, आध्यात्मिक और मटेरियल, फिजिकल, इमोशनल, एट ऑल लेवल वी हैव टू स्ट्रेंथन अवर सेल्व्स एंड टेक ऑन द हेरिटेज दैट वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम अवर सेंट्स एंड सेजेस, अवर फोर फादर्स, एंड मेक देम प्राउड, एंड इन द प्रोसेस वी ऑल बिकम प्राउड ऑफ ईच अदर। थैंक यू एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल that our most honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji has come I pray to Almighty, we should all pray together, may he live a very long life in the service of this Mother Earth, not just India, the entire planet. Thank you. धन्यवाद दाजी। ईश्वर सेवा द्वारा जन कल्याण में हार्टफुलनेस कई वर्षों से कार्यरत है। हार्टफुलनेस ध्यान पद्धति के माध्यम से वह सामाजिक में आंतरिक परिवर्तन का कार्य कर रहा है। इस पद्धति का उद्गम राजयोग की प्राचीन परंपराओं से हुआ। हृदय को ईश्वरीय धारा प्राणाहुति से जोड़कर पशु मानव से मानवीय मानव और फिर दिव्य मानव तक का रूपांतरण कर पाने का अलौकिक कार्य शाहजहांपुर के श्री रामचंद्र जी महाराज बाबूजी ने किया। उन्होंने विश्व को सहज मार्ग हार्टफुलनेस की पद्धति भेंट की, जो व्यक्तिगत रूपांतरण से वैश्विक शांति को संभव कर सकती है। सन 2024 में हम इस महान संत के जन्म की 125वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मानव जाति को ये क्रांतिकारी पद्धति भेंट करने वाले बाबूजी महाराज के जन्म का उत्सव उनके जन्मदिन 30 अप्रैल तक सीमित ना रखते हुए पूरे वर्ष भर मनाया जाएगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में उनके कर कमलों द्वारा इस 125वें जन्मोत्सव का औपचारिक प्रारंभ होने जा रहा है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं पूज्य दाजी से निवेदन करती हूँ कि वे शिलापट्टी का अनावरण कर बाबूजी महाराज के 125वें जन्मोत्सव के लोगों का लोकार्पण करें। धन्यवाद। और अब वह घड़ी आ चुकी है जिसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं। धरा पर विरले ही ऐसे व्यक्तित्व जन्म लेते हैं जो जन कल्याण और मानवीय प्रगति के दैवी कार्य को पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। ऐसे ही प्रभावशाली व्यक्तित्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से उनका संदेश प्राप्त करना आज हमारा परम सौभाग्य है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करती हूँ कि अपने संबोधन द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। पूजनीय दाजी, यहाँ उपस्थित कान्हा शांतिवनम और श्री रामचंद्र मिशन से जुड़े
करीब करीब 30 देशों के सभी साथी ऑनलाइन और वर्चुअल मोड में 160 से अधिक देशों से जुड़े लाखों साथी अन्य महानुभाव देवी और सज्जनों, यहाँ कान्हा शांतिवन में आपके बीच आकर आपके इस प्रेरक काम को निकट से देखने का, बहुत लंबे समय से मैं इंतजार कर रहा था, लेकिन किसी न किसी कारण से आ नहीं पाया था। और पूज्य दाजी की शिकायत रहती थी कि मोदी जी दुनिया भर के लोगों को तो धक्का मार मार के भेजते हैं, खुद नहीं आते हैं। लेकिन बहुत पवित्र काम ऐसे होते हैं कि जब तक ऊपर वाले का बुलावा नहीं आता है, मेल नहीं बैठता है। हार्टफुलनेस के लिए आपकी स्पिरिट निश्चित रूप से इस केंद्र को और आपके वैश्विक प्रयासों को अलग आयाम देती है। भाई कमलेश जी, जो हम सब पूजनीय दाजी के रूप में ही जानते हैं, जो काम मानवता के लिए किया है वो वाकई अद्भुत है। उनके इस योगदान को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। और इन दिनों पद्म पुरस्कारों की परंपरा हमने ऐसी बनाई है कि उसके कारण पुरस्कार स्वयं ही सम्मानित हो जाते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि श्री रामचंद्र मिशन के संस्थापक पूज्य बाबूजी महाराज की 125वीं जन्म जयंती का समारोह भी चल रहा है। साथियों, कान्हा शांति वनम को दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल कहा जा रहा है। जब इस हॉल में 1,00,000 लोग एक साथ ध्यान लगाएंगे तो जो ऊर्जा यहाँ पैदा होगी उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस कान्हा शांति वनम में जिस परंपरा, जिस संस्कृति को हम जी रहे हैं, वो हजारों वर्षों के एक सतत प्रवाह से निरंतर समृद्ध हुई है। इसमें हमारे संतों की, हमारे तपस्वियों की समृद्ध परंपरा का, समृद्ध विरासत का और अथक एक निष्ठ प्रयासों का प्रतिबिंब है। कान्हा शांति वनम इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। आज आपके प्रयासों से 160 से ज्यादा देशों के लोग सहज मार्ग पद्धति से योग को अपनाए हुए हैं।
जो सच्चा साधक है उसे आप पूरी निष्ठा से योग और ध्यान से परिचित कराते हैं। ये मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। हर ध्यान, हर घर ध्यान, हर दिल ध्यान, ये आपका संकल्प भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की सेवा कर रहा है। पूज्य लाला जी, पूज्य बाबू जी, पूज्य चारी जी और पूज्य दाजी, ज्ञान और ध्यान की एक निर्मल धारा है जो यहां निरंतर प्रवाहित होती रही है। दुनिया में भली भांति के अधिकारों की चर्चा होती है, लेकिन बाबूजी मानते थे कि चेतना का विकास हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। और दाजी की विनम्रता के तो हम सभी कायल है, कहीं रास्ते में मिल जाए तो पता नहीं चलेगा ये वो महापुरुष है। समाज जीवन में मुझे अनेक महान प्रेरकों से मिलने का, उनके दर्शन करने का, कभी उनसे सत्संग करने का भी सौभाग्य मिला है। और मैं आज कह सकता हूं से उसमें दाजी भी एक है। एक तरफ उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया तो दूसरी तरफ वो एक आध्यात्मिक सामाजिक संस्था का दायित्व भी संभाल रहे हैं। ये उन युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है जो मानवता के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो जीवन के ध्येय की तलाश में है। दाजी के मार्गदर्शन में कान्हा शांतिवनम जिस ऊंचाई पर पहुंचा है वो देखकर मन को बहुत संतोष मिलता है। पूज्य दाजी और श्री रामचंद्र मिशन ने जिस प्रकार साइंस और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ा है वो भी वर्तमान युग और आने वाले युग में एक सशक्त भूमिका अदा करेगा। पूज्य संतगण, इतिहास साक्षी है कि जब जब जहां जहां गुलामी आई वहां सबसे पहले उस समाज की असली ताकत पर चोट की गई, उसके चेतना तत्व को तहस नहस करने का प्रयास हुआ, उसके चैतन्य को नष्ट करने के लिए उससे जुड़े सभी मानबिंदुओं को खत्म करना ये प्रवृत्ति रही। भारत को गुलाम बनाने वालों ने भी हमारी असली ताकत ज्ञान, ध्यान, योग, आयुर्वेद, ऐसी कई महत्वपूर्ण परंपराएं थी उसी पर हमला बोला था और इसका देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब समय बदल रहा है,
और भारत भी बदल रहा है। ये भारत की आजादी का अमृतकाल है। आज हम सभी भारतीय जो भी फैसले लेंगे, जो भी काम करेंगे, वो आने वाली सदियों का भविष्य निर्धारित करेंगे। और इसीलिए मैंने लाल किले से पंच प्राणों का आह्वान किया था। अमृत काल के ये पंच प्राण है विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और अपने अपने कर्तव्य का पालन। आप भी हमारी समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाकर समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। और समृद्धि सिर्फ धन दौलत से ही नहीं आती, बल्कि इसमें सांस्कृतिक उत्थान का भी उतना ही महत्व होता है। आज भारत आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक हर प्रकार से पुनर्जागरण के दौर में प्रवेश कर रहा है। बीते 10 वर्षों में हमने हर प्रकार से अपनी सांस्कृतिक विरासत को सशक्त करने का प्रयास किया है। योग हो, आयुर्वेद हो, आज पूरे विश्व में भारत के ज्ञान भंडार की व्यापक चर्चा हो रही है। भारत के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी घोषित किया है। अब समय आ गया है कि हम अपनी इस विरासत को एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर ले जाएं, और इसमें श्री रामचंद्र मिशन और उससे जुड़े साधकों की, आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण के लिए हमें इस अमृतकाल में 4 पिलर्स पर फोकस करना है। मैं इन्हें अमृत स्तंभ भी कहता हूं। ये अमृत स्तंभ है हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारी श्रम शक्ति और हमारी उद्यम शक्ति। इसमें हमारे गरीब, श्रमिक, किसान, पशुपालक, मछुआरे, व्यापारी, विद्यार्थी, नौजवान, हर कोई शामिल है। इनका सशक्तिकरण और इनका आत्मविश्वास बढ़ाना और उनको अनेक विध अवसर उपलब्ध कराना, ये समय की मांग है, बहुत आवश्यक है। इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, इनकी आकांक्षाओं की पूर्ति करना, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। एक जमाना था जब सुविधाओं के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब हमारी सरकार लाभार्थियों के दरवाजे तक पहुंच रही है। इसलिए 15 नवंबर को ही देशभर में हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा भी शुरू की है। देश में हो रहे विकास का लाभ सभी तक पहुंचे, कोई पीछे न छूटे,
यही हमारा लक्ष्य है। साथियों, इस अमृत काल में आज की युवा पीढ़ी को जागरूक करने में, सशक्त करने में आप सभी की, श्री रामचंद्र मिशन की भूमिका कई गुना बढ़ गई है। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है, हाल में हमने देश की युवा शक्ति को राष्ट्रीय संकल्पों से जोड़ना के लिए मेरा युवा भारत यानी माय भारत नाम से बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है। ये देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ से सीधे जोड़ने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, संगठन है। हमारा युवा ड्रग्स और दूसरी नेगेटिविटी से दूर रहे और माय भारत जैसे मिशन से जुड़े, इसमें आप सबका सहयोग भी उसे नई ताकत दे सकता है, नई ऊर्जा दे सकता है, नई प्रेरणा दे सकता है। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। यानी वृक्ष हो, नदियां हो, गाय हो, ये सब अपने लिए नहीं जीते, ये दूसरों का जीवन सुखी बनाते हैं। इसी प्रकार हमारा शरीर भी परोपकार के लिए ही बना है। आप भी इसी भावना को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि आप इस क्षेत्र में लाखों वृक्ष लगाकर एक हरा भरा जंगल भी तैयार कर रहे हैं। यहां पानी की एक एक बूंद भी बर्बाद नहीं होती, बल्कि बूंद बूंद का सदुपयोग होता है। ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए आपकी तरफ से बहुत बड़ा उपहार है। और अभी पूज्य दाजी के साथ कुछ मुझे सरसरी नजर से कुछ चीजें देखने का अवसर भी मिला, और जिस पैशन के साथ वो चीजों की बारीकियां बताते थे, तब मुझे लगता था कि पूज्य दाजी यहाँ के कण कण में रम गए हैं। आप सभी मानवता को शांति और सुख अविरत धारा की तरह बांटते रहे, बहाते रहे। विकसित होता हुआ भारत खुद को एक विश्व मित्र के रूप में देखता है। और आप सभी विश्व मित्र भारत, और कोरोना के बाद तो हमने जिस प्रकार से दुनिया के साथ हम खड़े रहे, आज मुझे दुनिया को नहीं कहना पड़ता कि हिंदुस्तान आपका मित्र है, दुनिया कहती है भारत हमारा मित्र है। और आप सभी विश्व मित्र भारत के बहुत समर्थ, सशक्त और सांस्कृतिक प्रतिनिधि है। मैं एक बार फिर सभी महान व्यक्तित्वों, पूज्य लाला जी, पूज्य बाबू जी, पूज्य चारी जी और पूज्य दादी जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और आप सबको मिलने का मुझे अवसर मिला। लेकिन मैं कभी कभी हम कहीं जाते हैं तो जल्दबाजी में अगर कोई खाने के लिए भी कहता है, नहीं जी मुझे बहुत जल्दी जाना है, ऐसा कर थोड़ा चख लेता हूँ, तो आज मेरा चखने का कार्यक्रम हुआ है, देखने का कार्यक्रम कभी आकर के करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।